हे गाइस, तो अगर आपको घर में पॉट बनाना सीखना है कोई भी पुराने कपड़े से, टी शर्ट से, तो आज हम वो सीखेंगे। आप कोई भी ऐसी टी शर्ट ले सकते हैं या कोई भी पुराना क्लॉथ ले सकते हैं पॉट बनाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखिए, तो हमने इस क्लॉथ को, इस टी शर्ट को ऐसे कट कर लिया है ताकि जो पॉट है उसको अच्छा शेप मिल जाए। अब हम इस शर्ट को इस पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम अच्छे से स्क्वीज करके निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये शर्ट गीली हो गई है, तो अब हम इसे इस सीमेंट के जो पेस्ट है इसके अंदर अच्छे से डाल के कवर कर देंगे इसको। अब ध्यान रखें कि जो शर्ट है, जो पीस है क्लॉथ का, वो अच्छे से सीमेंट से कवर हो जाए, नहीं तो शेप अच्छे से नहीं आएगा। ये देखिए, अच्छे से कवर हो चुका है इस सॉल्यूशन में। तो अब हम इसे इस बकेट के ऊपर रखेंगे। अब बकेट के ऊपर आप पहले तो प्लास्टिक की पॉलिथीन बिछा दें ताकि जो कपड़ा है वो उससे चिपके ना। आप ये ध्यान रखिए कि आप एक होल करें ताकि बाद में जब आप इसमें प्लांट लगाएंगे तो उसका जो वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो पाएगा। और जो थोड़ा बहुत ये बचा है इसको अच्छे से इस पे लगा के थोड़ा से थिक कर दें। हमने इस पॉट को 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रख दिया था और अब हम देखेंगे कि हमारा पॉट तैयार हो रहा है या नहीं। ये देखिए कितना इजीली उतर गया है क्योंकि हमने प्लास्टिक लगाई थी। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा पॉट तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने एक बोर्ड भी बनाई थी, ये हमने टॉवल से बनाई है, आप ये भी बना सकते हैं।